नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में रावण का दहन कर बुराइयों को जलाने का संकल्प लिया जा रहा है। विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए देश भर में यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और रावण के पुतले दहन किए जा रहे हैं। लेकिन देश का एक स्थान ऐसा है जहाँ रावण के पुतले दहन करने की बजाय उसकी पूजा होती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का मंदसौर, जिसे रावण की ससुराल कहा जाता है, वहां नामदेव समाज के लोग आज के दिन रावण की पूजा करते हैं। नामदेव समाज के लोगों की मान्यता है कि वे मंदोदरी को अपनी बेटी मानते हैं। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसीलिए रावण को जमाई का दर्जा प्राप्त है। यहां लोग रावण की पूजा कर उसके दाएं पैर में लच्छा बांधते हैं, जिसकी मान्यता है कि इससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रावण के प्रति नामदेव समाज जो परंपरागत रूप से जो रावण वध का और रावण वध का नामदेव समाज द्वारा जो आयोजन होता है, वो परंपरागत रूप से हमने उसको निर्वाहन कर रहे हैं। रावण को दशहरे के दिन सुबह 10 बजे उसकी पूजा अर्चना की जाती है नामदेव समाज द्वारा और मोहल्ले के सभी जनमानस द्वारा, और शाम को रावण राम रथ के साथ में रावण वध के लिए 7:15 बजे रावण वध किया जाता है। ये नामदेव समाज द्वारा आयोजित होता है। लच्छे भी माने जाते हैं, उसके दाहिने पैर में लच्छा बांधने से जो एकात्रा करके बुखार होता है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, ऐसी मानता है। नामदेव समाज की जो महिला है और अन्य महिला है, इसको जमाई का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए इसका घूंघट भी निकालती है। मंदसौर शहर एक प्राचीन नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। ऐसी किदवंतियाँ रही है पुराने समय से कि रावण महाराज को, दशानन लंकेश महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी मानता है। नामदेव समाज यहाँ पर दशहरा उत्सव को विजय पर्व के रूप में मनाता है। यहाँ पर दशहरे के दिन सवेरे मुहूर्त में यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, रावण महाराज की पूजा की जाती है, लच्छा बांधा जाता है और उनको निमंत्रण दिया जाता है कि वे किसी प्रकार का अनिष्ट न करते हुए इसको स्वीकारें, क्योंकि यहाँ पर राम रथ सेना के साथ सभी समाजजनी आएंगे और रावण वध की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। सिर्फ मंदसौर ही नहीं, राजगढ़ के भारखेड़ी गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। सड़क पर स्थित रावण की ये प्रतिमा लोगों की आस्था की केंद्र है। यहाँ के लोग दशहरे के दिन लंकापति रावण की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखते हैं। दशहरे के पहले यहाँ रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण के भाले को रावण से छुड़ाया जाता है, लेकिन रावण का पुतला दहन नहीं होता बल्कि रावण की पूजा की जाती है। लगभग 150 साल पुराने जमाने से यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। यहाँ पर मतलब आसपास के टोटल गांव से पूरे लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग के काम सिद्ध हुए इसलिए यहाँ पर पूजा करते हैं। जलाते हो आप इनको? जलाते नहीं है। जलाते नहीं हो? कितने साल पुरानी? लगभग जो मैं तो मतलब पूर्वजों से सुनते आ रहा हूँ वो 150 साल के करीब बताते हैं, और मैं तो जब से पैदा हुआ जब से देख रहा हूँ। लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत लेके? जरूर मन्नत पूरी करते हैं। करते हैं, हर युवा यहाँ पर आता है। जी, गांव का सरपंच। कौन सा गांव है ये? बाटखेड़ी है, रावण वाली बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये जो रावण की जो प्रतिमा बनी जी, किन के खेत में है ये? ये रामचंद्र जी आते हैं उनके खेत में। अच्छा, यहाँ क्या मान्यता है यहाँ की? ये मान्यता ऐसा है कि यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारा जन्म नहीं था उसके पहले की ये प्रतिमा हम देख रहे हैं। हाँ। हमें पता भी नहीं कितने वर्ष पुरानी है। हाँ। लेकिन यहाँ जो एवी रोड होने के कारण कई लोग यहाँ से निकलते थे, कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई, यहाँ लोग हवन और भंडारा आदि भी लेके आते हैं। और हमारे गाँव वाले भी कई बार जब वर्षा नहीं होती थी हम मंदिरों में जाते थे, लेकिन भगवान हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते थे। जब खुद गांव वालों ने सलाह दी कि क्यों नहीं हमारे जो महात्मा रावण है उनके पास में चले, तो उनके पास आए और उनकी मन्नत मांगी और वर्षा हो गई। और ऐसे कई चमत्कार इनने किए हैं। और एक बार जब कांग्रेस सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उस टाइम पे हमारे जो पूर्व राज्य मंत्री थे बद्रीलाल यादव, उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय वगैरह आए थे और उन्होंने यहाँ आकर मन्नत मांगी थी। पूरा गांव उनके साथ में था और महात्मा रावण जी की ऐसी कृपा हुई कि नेक्स्ट उनकी सरकार बन गई। तो वो लोग भी रावण को मानते हैं और हर विजयदशमी पे यहाँ पे बद्रीलाल जी और विधायक जी जो हैं और सब लोग सांसद जी आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी होती। तो इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और Facebook पेज को भी लाइक कर लें ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।